प्रिया राय जेएनआई न्यूज की रिपोर्टर एंड एंकर जेएनआई जो कि सच्चाई के लिए लड़ता है और इंसाफ दिला के मानता है। जनता के लिए लड़ूंगा, इंसाफ के लिए लड़ूंगा, क्योंकि जनता की ही आवाज है मेरी पहचान। नमस्कार, मैं हूं दिवाकर, जेएनआई न्यूज चैनल एंकर एंड मैनेजर। मनोज कुमार यादव, क्राइम ब्यूरो उत्तर। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएनआई न्यूज, मैं हूं अजय। आज हम जौनपुर जिले के विकास खंड मुगराबाद शाहपुर के ग्राम सभा गुधुआ में बैठे हुए हैं। बहुत अच्छा लगा यहाँ के प्रधान जी से मिलके। राजमणि यादव जी यहाँ के प्रधान हैं, इस समय तो प्रधान प्रतिनिधि कहे जाएंगे फिलहाल, लेकिन 25 साल से लगातार ये जो है प्रधानी लेके अपने परिवार में ही बैठे हैं। बहुत ही सामाजिक व्यक्ति हैं, विकास पुरुष कहे जाते हैं। आइए जानते हैं उन्हीं की जुबानी कि उनके गांव की जनता जनार्दन कैसे आशीर्वाद देती है, क्या कुछ खासियत है प्रधान जी में, और आगे दशहरा दीपावली भी है, क्या संदेश देना चाहते हैं अपने ग्राम सभा वासियों को, यही सब जानते हैं। प्रधान जी नमस्कार, आप हमारे चैनल को बताने कष्ट करें कि पहले आपको जनता जनार्दन लगातार प्रधान बना रही, इसमें आपकी क्या ऐसी खासियत है? श्रीमान जी, खासियत तो कहने का मतलब जनता द्वारा मुझे मतलब चुना गया है, तो अपनी खासियत है कि जैसे मान लीजिए नरेगा का काम हुआ और राजवित का काम हुआ, खड़ंजा हुआ, और हमारे यहाँ जो मतलब हमारे यहाँ एक भी न तो विधवा बची हैं पेंशन के लिए, न तो विकलांग बचे हैं, और 99% मैंने वृद्धा का मतलब 100 तो नहीं कह सकते, लेकिन 99% वृद्धा विधवा विकलांग हमारे एक भी पात्र नहीं बचे हैं। तो मैं सबका काम करा दिया हूँ और लोग पा भी रहे हैं, कहने का मतलब उसका लाभ ले रहे हैं। और नरेगा का काम थोड़ा विवाद के नाते जैसे तालाब मत्स्य पालन का हुआ है, इसलिए तालाब का मैंने काम नहीं करा पाया, लेकिन यह कि नालियाँ हैं, सिंचाई के लिए नालियाँ हैं, उसका मैं काम कराता हूँ। और मतलब चक्रोड़ जहाँ खाली है उसका भी मतलब संपर्क मार्ग मिट्टी का कराता हूँ, और विशेष थोड़ा विवाद के नाते मतलब नरेगा का काम विशेष मैंने नहीं करा पा, और ज़्यादा काम होता है नरेगा का जब तालाब अगर खाली है तो उसमें ज़्यादा मतलब तालाब कराने मतलब काम कराने का मौका मिलता है, लेकिन छोटी मोटी जहाँ चक्रोट है, नालियाँ हैं और सब हैं, इसका काम जहाँ जैसे ज़रूरत है वैसे कराता हूँ। नहीं, काम तो आप कराते हैं प्रधान जी, लेकिन जो हम सर्वे किए हमारी टीम की, तो उस हिसाब से तो लोगों का कहना था कि प्रधान जी जात पात का कोई भेदभाव नहीं करते हैं, जो काम रहता है सबका सुनते हैं। हाँ, इसलिए आपको जिताते चले आए हैं, क्या कुछ ऐसा है? हाँ, ये तो खासियत है कि मैं कोई भेदभाव नहीं करता। आप समझ लीजिए कि हमारे यहाँ वृद्धा पेंशन के जितने पात्र एक भी नहीं बचे हैं, एक दो छोड़कर, बाकी एक भी हमारे गांव में एक भी पात्र नहीं बचे हैं कि मतलब विधवा वृद्धा विकलांग के बच्चे हों। और मैं जो मुझे वोट दिया उनका भी, जो नहीं दिया उनका भी, एक निगाह से मैं काम करता हूँ। अब चाहे हमारी ये खासियत समझी जाए चाहे नाकामी समझी जाए, लेकिन यह कि मैं एक निगाह से काम करता हूँ, और जनता अगर जो अपनी बात कहती है उसको दिल गहराई से उसको सुनता हूँ, उसका जवाब देता हूँ, और जो हो सकता है उसका काम भी करता हूँ। प्रधान जी, कल दशहरा है, आगे दीपावली है, आप अपने ग्राम सभा वासियों, देशवासियों, प्रदेशवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम अपने प्रदेश गांव की जनता और प्रदेश की जनता, अपने भारत, कहने का मतलब कि हम तो ये चाहते हैं कि हमारा देश आगे जाए, उत्तर प्रदेश आगे जाए, हमारा देश खुशहाल रहे, हमारी जनता खुशहाल रहे, हमें गांव का विकास हो, मैं यही संदेश देना चाहता हूं, और इसके लिए मैं लगा भी रहता हूं। मेरा यही संदेश है जनता के प्रति, गांव के प्रति, उत्तर प्रदेश के प्रति, और महान भारत जो है हमारा देश तो है ही है, मैं अपना संदेश जो है
यही दे रहे हैं कि शुभकामना त्योहार पे। हाँ, त्योहार पे शुभकामना, तो हमारी ये शुभकामना त्योहार पर है। कितनी अच्छी बात प्रधान जी ने कही कि बिना भेदभाव, और सबसे बड़ी चीज सब खुशहाल रहे, देश का, प्रदेश का, गांव का, हर नागरिक खुशहाल रहे, उसी में इनकी खुशी झलकती है। शायद इसी विचार के नाते आज पाँच पंचवर्षीय से प्रधानी अपने कब्जे में लिए हुए हैं। इसी के साथ धन्यवाद। मैं अजय अपने सहयोगी होरीलाल प्रजापति के साथ।